सबको पता ही है, हनुमान जी बहुत ही जागृत देव माने जाते हैं और वे सभी युगों में साक्षात विद्वान भी माने जाते हैं। हनुमान जी को प्रसन्न करना बहुत आसान है, वह बहुत जल्दी अपने भक्तों से प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप उनकी पूजा सच्चे मन से और श्रद्धा से करते हैं तो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर हनुमान जी आपकी हर मनोकामना पूरी करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि बजरंगबली की कृपा आप पर सदैव बनी रहे तो आपको श्रद्धा पूर्वक बजरंगबली की पूजा करनी है, और अगर आप श्रद्धा पूर्वक उनकी आराधना करते हैं तो उनका साथ आप पर हमेशा ही रहता है। लेकिन मित्रों, आज हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे यह पता लगाया जा सकता है कि हनुमान जी का हाथ आपके सर पर है और वे सदैव आपके साथ हैं। तो आइए जानते हैं कुछ संकेतों के बारे में। पहला संकेत, मित्रों, अगर आपके हाथों में मंगल रेखा स्पष्ट नजर आ रही है तो यह आपके लिए बहुत शुभ है। इसका अर्थ है कि निश्चित ही हनुमान जी आप पर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। अब शर्त यह है कि आप बुराइयों से दूर रहेंगे तो आपको लाभ ही लाभ होगा। दूसरा संकेत, यदि कुंडली में मंगल मेष, वृश्चिक या मकर राशि में है या सूर्य बुध एक ही जगह पर बैठे हैं या दसवें भाव में मंगल है तो माना जाता है कि यह मंगल नेक है। मंगल नेका का अर्थ है कि हनुमान जी की आप पर कृपा है। संकेत तीसरा, यदि आपका जिगर मजबूत है, ऊपर का होंठ बड़ा और अच्छा है, रक्त एकदम शुद्ध है और आंखों की ज्योति सही है तो माना जाता है कि मंगल शुभ है। मंगल के शुभ होने के अर्थ है कि हनुमान जी की कृपा आप पर बरस रही है। आपको सही मार्ग पर चलते हुए सभी कार्य करना है, निश्चित ही आपका हर कार्य सफल होगा। संकेत चौथा, दोस्तों, यदि आपके घर में रामायण पाठ होता रहता है या राम जप चलता रहता है या नियमित रूप से आप हनुमान चालीसा पढ़ते रहते हैं तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है। हनुमान जी जिस पर भी प्रसन्न रहते हैं वह व्यक्ति भयमुक्त और निर्भीक जीवन जीता है। ऐसे जातक के जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं होता है। संकेत पांचवा, मित्रों, यदि आपके सपने में हनुमान जी और राम जी आते हैं तो इसका मतलब यही है कि आप पर हनुमान जी की कृपा दृष्टि बनी हुई है। यदि आप उनकी सच्चे मन से आराधना करेंगे तो आपको हर वह मंजिल प्राप्त होगी जिसकी आप चाहत कर रहे हैं। संकेत छठवा, मित्रों, यदि आप मन, वचन और कर्म से नेक और पवित्र हैं, इसका मतलब आपकी कथनी और करनी में भेद नहीं है, तो आप समझ लें कि हनुमान जी की आप पर कृपा है। आप कभी भी झूठ नहीं बोते हैं, किसी भी प्रकार का नशा नहीं करते, मांस का भक्षण नहीं करते और अपने परिवार के सदस्यों से प्रेमपूर्ण संबंध बनाए रखते हैं, तो निश्चित ही आप पर हनुमान जी की कृपा है, तभी तो आप ऐसा नहीं करते हैं। संकेत सातवा, हनुमान जी यदि प्रसन्न हैं, तो ऐसे जातक हर क्षेत्र में प्रगति करते हैं। उसके जीवन में किसी भी प्रकार की बाधा और कष्ट नहीं होता, उसके हर कार्य आसानी से होते जाते हैं, उसके जीवन में स्थायित्व आ जाता है। तो मित्रों, आपको अगर हमारी जानकारी पसंद आई हो तो आप इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेवे। फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।